बिल्कुल आराम से बैठा है। एक्चुअली तो तासीर ऐसी होती है कि पसीना सूंघते ही खून सूंघते ही इंसान का डंग मारता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो माय नेम इज अनुज। सो टुडे आज जो हम चीज एक्सप्लोर करने चलेंगे वो एक धार्मिक प्लेस है, और जैसे कि थंबनेल और टाइटल से आपको पता चल गया कि कौन सी जगह पे हम आज जा रहे हैं, और उस चीज को एक्सप्लोर करते हैं आज चल के हम लोग। तो बेसिकली वो दूसरी चीज ये है कि वो जो हमारे मोहम्मद शमी है उनकी भी वो बर्थ प्लेस है, तो चलते हैं। दूसरी अमेजिंग चीज ये है कि जो भी वहां पर जाता है वो उसकी मन्नतें जरूर पूरी होती हैं। तो चलते हैं फिर। थैंक यू, मैं होता हूँ रेडी। तो बेसिकली दोस्तों हम आ चुके हैं NH-24 हाईवे पर, और बेसिकली मैं पूरा हाईवे तो आपको नहीं दिखाऊंगा पूरे रास्ते पर चलते हुए। तो बेसिकली इस हाईवे पर जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। आगे गरुड़ मृत्युवेश्वर पड़ता है जहाँ से गंगा जी निकलती है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो बने रहे मेरे साथ, आने वाले टाइम में बहुत ही शानदार वीडियो आने वाली हैं, हम राइड करने वाले हैं हम सब साथ में। तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और आने वाले टाइम में मैं राजस्थान और उत्तराखंड की वीडियो भी लाऊंगा। बेसिकली राजस्थान में एक बहुत धार्मिक प्लेस है जिसको मैं विजिट करूंगा, लेकिन वो कुछ अचंभे वाली वीडियो है, कुछ अजीब सी है, एक अच्छी सी है, उसमें कुछ ताकत जैसे ये वाली वीडियो है, सेम टू सेम वो वही वीडियो है। तो बेसिकली हम अब पहुँच चुके हैं गढ़मुक्तेश्वर। ये गढ़मुक्तेश्वर है, इसके लिए भी मैं पर्टिकुलर एक ब्लॉग बनाऊँगा। तो अब आपको दिखाता हूँ गंगा जी कहाँ से निकलती हैं। आपको हल्की हल्की झलक दिखाई दे रही होगी गंगा जी की, तो ये है हमारी गंगा जी। तो देखिए आपको पूरी पूरी दिखाई दे रही होगी इस टाइम। तो बेसिकली अभी थोड़ा सा पानी गंदा है, तो जिनको भी यहाँ पर आना है, ये 90 किलोमीटर्स पड़ती है दिल्ली से गढ़मुक्तेश्वर, इस जगह का नाम है। ये देखिए लोग आप पैसे डाल रहे हैं अभी इसमें। तो बेसिकली अब हम जो पहुंच चुके हैं, ये जो जगह है अमरोहा के जस्ट पास है, हम कुछ ही डिस्टेंस दूर पर हैं जहां पर हमारी जो डेस्टिनेशन है उससे हम कुछ ही दूर हैं। और बेसिकली जो मैं बात कर रहा था राजस्थान की, तो वो एक धार्मिक प्लेस है, और वहां पे भी कुछ अजीब सी ताकत है जो वो वीडियो में बनाने वाला हूँ, तो वो भी कुछ अजीब सी है, मतलब एक अच्छी सी है, अद्भुत है। तो बने रहें और इन्जॉय करना, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को आने वाले टाइम में अच्छी अच्छी वीडियो के लिए, और अच्छी अच्छी चीज़ों को, प्लेस को हम एक्सप्लोर करेंगे हम सब साथ में। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब माय चैनल। तो यही बेसिकली अमरोहा कहलाता है। जो लोग अमरोहा से इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ बताना कि ये अमरोहा का कौन सा पार्ट है और कौन सी जगह है। जस्ट पास में दिखा रहा है कहीं, तो हम जस्ट अराउंड 5 या 10 मिनट में हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो आप एक बार ज़रूर बताना कि ये इस जगह का नाम क्या कहलाता है। तो आई थिंक यही डेस्टिनेशन है हमारी, और यही इसका एंट्री गेट है। तो चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं यही है या नहीं, गूगल तो यही दिखा रहा। तो अब हम चलते हैं इसके अंदर। देखते हैं यार बाइक कहाँ पार्क करनी है। चलो सामने बाइक पार्क कर देते हैं, और वो देखिए वहाँ पे सामान मिलता है। तो चलते हैं और खड़ी करते हैं, और फिर इसको करते हैं हम आज एक्सप्लोर। बने रहें हमारे साथ, कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब यार।
हेलो फ्रेंड्स, सो मैं आ चुका हूँ अमरोहा, ये जो एक डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, और उसी जगह पर मैं पहुँच चुका हूँ जहाँ पर वो दरगाह है। और अब मैं अभी आपको अंदर ले चलूँगा, सामने है वो मेरे, जस्ट दिखाता हूँ मैं अभी आपको। तो ये है वो दरगाह, का पूरा एक बार व्यू दिखा देता हूँ। तो बेसिकली अब मैं आ गया हूँ इसके अंदर, जैसे अभी आपको मैंने व्यू दिखाया, तो एक अजीब सा जो सुकून होता है वो यहाँ पर महसूस हो रहा है। वैसे सुकून तो हर जगह, जहाँ पे भी ऐसी दरगाह या फिर कुछ भी चीज़ होती है वहाँ पे सुकून की बात अलग ही होती है। तो ये है वो मन्नत का, जो भी आप मन्नत वन्नत मांग सकते हैं तो यहाँ बांध सकते हैं और वो मन्नत पूरी होती है, ये ऐसा मानना है यहाँ पर। तो मेरे पीछे आपको जैसे दिख गई होगी जहाँ पे वो बंधे हुए हैं धागे, आप भाई पापा को अपना धागा बांध सकते हैं और मन्नतें अपनी, जो भी मन्नतें हैं आपकी, वो आप पूरी कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक अजीब सी शांति है और यहाँ पर बहुत सुकून वाली जो लाइफ है वो यहाँ पर मिल रहा है। तो बेसिकली दोस्तों, अभी मैं कुछ पता करने वाला हूँ अंदर, इनके बारे में इसकी जानकारी लेता हूँ कि भाई ये क्या हिस्ट्री थी क्या नहीं थी। तो मेरे सामने जो भी है, तो पहले सर आप ये बताइए कि इसकी जो हिस्ट्री है वो क्या है। सन 1272 में आप अमरोहा आए थे दरगाह। जब आप अमरोहा आए थे तो आपसे पहले बुजुर्ग और हुआ करते थे यहाँ पर, हजरत नसरुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी दरगाह घोड़े गधे वाले बाबा के नाम से जानी जाती है। जब उनको पता लगा कि अमरोहा के अंदर शाह विलायत साहब आए हैं, तो आपने अपने गुलामों से कहलवाया, बोले ऐसा है आप जाकर शाह वाला साहब से बोल दीजिए कि यहाँ पर पहले से ही बुजुर्ग आने तीन इतने हैं कि आपके लिए कोई जगह नहीं है। तो शाह वाला साहब के पास आपके जो खिदमत गुजार थे वो लोग यहाँ पर आए। आने के बाद में उन्होंने कहा कि नसरुद्दीन शाह साहब ने आपके पास पैगाम भेजा है कि आप यहाँ से चले जाइए, यहाँ पर बुजुर्ग आने की बहुत है, आपके लिए कोई जगह नहीं है। शाहवला साहब ने मना कर दिया कि मेरे पीरों को मुर्शिद ने फरमाया था कि जहाँ मुझे बगल की रोटी, आम, रहू मछली, ये चीज़ें मुझे खाने में मिलेंगी, मेरा आखिरी मकाम आखिरी स्थान वहीं पर होगा। तो बेसिकली दोस्तों, कि आप अगर तो कुछ किसी को अभी इसमें कुछ डाउट होगा तो थोड़ा थोड़ी सी खबर आपको तो पता चल जाएगा थोड़ा थोड़ा। तो आगे मैं अभी आगे उनसे आगे की कहानी के भी सुनूंगा। जैसे तो अभी उन्होंने भी कहा था कि बगड़ की रोटी, तो बगड़ की रोटी बेसिकली दोस्तों आपको पता नहीं हो, बगड़ की रोटी जो चावल को तो पीस के बनाया जाता है उसको हम बगड़ की रोटी कहते हैं। तो आगे की स्टोरी अब हम इनसे फिर से सुनते हैं। आम और रोहू मछली आपको खाने के लिए मिली, तो आपने तभी सोच लिया कि मेरा आखिरी मक्का मिल गया। मेरे जो प्रिय मुर्शिद है उन्होंने मुझसे ये कहा था कि जहाँ आपको तीनों चीज़ें मिले आप वहीं रुक जाना, तो शाहवला साहब यहीं रुक गए। उसके बाद में नसरुद्दीन शाह साहब ने एक पानी का कटोरा भरकर भेजा शाहवला साहब के पास, और आपने जो आपके खिदमत गुजार से उनसे कहलवाया कि आप जाके कह दीजिए कि जिस इस कटोरे के अंदर पानी है भरा हुआ ऊपर तरफ, ऐसी अमरोहा के अंदर बुजुर्गान तीन है, जैसे कटोरा कहीं से खाली नहीं है ऐसी अमरोहा कहीं से खाली नहीं है आपको। तो आप एक साथ में गुलाब का पौधा लाए थे, आपने उस पौधे में से गुलाब का फूल तोड़ा और कटोरे के ऊपर रख दिया, पानी के ऊपर वो फूल तैरने लगा।
उसके बाद में श्यामला साहब ने कलवाया नसुद्दीन शाह साहब से कि आप जाकर उनसे कह दीजिए कि जैसे पानी के ऊपर फूल तैर रहा है ऐसे अमरोहा के ऊपर मैं हुकूमत करूँगा, अमरोहा का बादशाह बनकर रहूँगा। वही है कि आप सन 1272 से आज तक अमरोहा के बादशाह हैं, आपसे बड़ी कोई दरगाह नहीं है अमरोहा का। तो नसुद्दीन शाह साहब को बुरा लगा कि श्यामला साहब आए हैं जा नहीं रहे, इस तरीके से आप जवाब भेज रहे हैं वहाँ से। नसुद्दीन शाह साहब गुस्से में खुद चले आए शाह साहब के पास और आजकल नसुद्दीन शाह साहब ने कहा कि आप जाइए, आपके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। तो श्यामला साहब ने फरमाया कि मेरे बुजुर्गा ने जिन ने बोल दिया था कि जहाँ मैं रुकूंगा वहाँ आम की पैदावार, रोहू मछली और बकर की रोटी सबसे ज्यादा खाने को मिलेगी। तो वही है कि अमरोहा के अंदर एक तो आम सबसे ज्यादा होता है, बकर की रोटी, रोहू मछली। नसुद्दीन शाह साहब ने जलाल में आके जब आपको गुस्सा आया तो आपने श्यामला साहब को एक श्राप दिया, उस श्राप के अंदर कहा कि आपकी दरगाह पर सांप और बिच्छू लौटेंगे। अच्छा, श्यामला साहब ने कहा कि ठीक है लौटेंगे बेशक, मगर मेरी दरगाह पर किसी आने वाले जारीन या श्रद्धालु को काटेंगे नहीं, ना ही किसी को टच करेंगे। अच्छा, तो तब जब से आज तक ये करामात चलती हुई आ रही है कि आपकी दरगाह पर सांप और बिच्छू किसी को टंग नहीं मारते। 52 बीघे का इस दरगाह का रकबा है, 52 बीघे के अंदर बिच्छू या सांप घुसते ही अपना टंग अपना फना नीचे कर लेती। अच्छा, आपने श्यामला साहब ने नसुद्दीन शाह साहब को श्राप दिया कि आपकी दरगाह पर खोए हुए गधे और घोड़े मिलेंगे, तो वो भी करामात आज तक चलती हुई आ रही है। नसुद्दीन शाह साहब की दरगाह यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है। अमरोहा का कहीं भी कुछ भी घोड़ा गधा गाय बकरी भैंस कुछ भी खो जाए वो नसुद्दीन शाह साहब की दरगाह पर मिलती है। अच्छा। तभी से दोनों करामातें आज तक ऐसी चलती हुई आ रही है। तो जी भाई, तो हेलो दोस्तों, तो जैसे कि आपने सुन लिया कि पूरी पूरी क्या कहानी थी और क्या हिस्ट्री थी इसके बारे में, और सुनकर काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी जो आनंद था और जो सुकून था वो मिला है इसको सुनकर। तो अब हम देखेंगे कि बिच्छू को हाथ में रखकर लेकर एक बार हाथ पे, वो कुछ नहीं कह रहा, कुछ भी डंक कुछ भी नहीं कह रहा, मतलब शांत है, बिल्कुल आराम से बैठा है। छोटी तो तासीर ऐसी होती है पसीना सूंघते ही खून सूंघते ही इंसान का डंग मारता है। ये देखा आपने, तो जो अब क्या नाम था सर आपका? मेरा मोहम्मद अकबर, मैं खादिम कर रहा हूँ। तो इनका नाम है मोहम्मद अकबर, तो वो बोल रहे हैं कि जो बिच्छू होता है वो तुरंत अगर हाथ में रखते हैं तो तुरंत काट लेगा, लेकिन ये देखिए करामत उस खुदा की है जिसकी वजह से ये हमें कुछ भी कोई भी असर कुछ भी नहीं कर रहा है और आराम से बिल्कुल शांत पड़ा हुआ है। तो ये होती है ताकत। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं अब इससे बाहर आ गया हूँ, तो सुनकर काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी सुकून मिला यहाँ आकर भी। तो जो भी मुझे सुना, और आप भी एक बार यहाँ पर आइए और आप अपनी जो भी आपकी मनोकामना है, कोई भी ख्वाहिश है, आप आना यहाँ पर, और वो ऊपर वाले ने चाहा तो ज़रूर कामयाब होगी। और तो बेसिकली कुछ बुज़ुर्ग मेरे सामने बैठे हुए हैं और वो इसके बारे में कुछ और यहाँ के जो डिटेल्स हैं, और मैंने अभी उन तो मिलाता हूँ आप उनसे। ये देखिए, जो टोटल जो हमारे सैयद शाहबाज छठपुजी के रमपुर का जो एरिया है वो टोटल 52 बीघे का है। तो 52 बीघे के अंदर ये आपका आस्थान मुबारक है, पीछे मस्जिद है, वजू खाना है, और दीगर जगह में इस पर कब्रें भी हैं, जिसमें मतलब दो समुदाय के लोग हैं जिनके एक शिया हजरात हैं और एक सुन्नी हजरात हैं, उनकी यहाँ कब्रें होती हैं। ये पूरा कब्रिस्तान है, टोटल 52 बीघे का एरिया है। और यहाँ की मिसाल, यहाँ के सारे काम तो आपने देख ही लिए होंगे, और बड़े बड़े हिंदुस्तान और आउट ऑफ इंडिया के लोग जो है वह आके यहाँ पे तजर्बा करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं कि भाई यहाँ का बिच्छू नहीं काटता। बिच्छू की मिसाल यह है कि यहाँ जानवर को भी इजाज़त नहीं है कि किसी के डंक मार दे। ये वो शहर है, ये वो बस्ती है कि जहाँ जानवर को भी इजाज़त नहीं है कि किसी के मार दे। यहाँ आपस में भाईचारा और प्यार मोहब्बत बहुत है, हिंदू या मुसलमान या सिख या ईसाई सब आपस में भाई भाई रहते हैं यहाँ पे मिलके। और इस मज़ार की खूबी है कि सबकी मुरादें पूरी की जाती हैं। तो जो ये बुजुर्ग थे उन्होंने क्या सुंदर बात की है कि हमें सबको प्यार से रहना चाहिए और सबसे मिलकर जुल के रहना चाहिए। तो इन्होंने जैसे कहा कि भाई हिंदू मुस्लिम यहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं होता, हिंदू मुस्लिम तो भेदभाव पूरे देश में नहीं होना चाहिए, यहाँ पर की तो बात अलग है।
तो बेसिकली हमें सबको मिलकर रहना चाहिए क्योंकि हमारा भारत एक ही है और हम सब इस देश के वासी हैं, तो हमें प्यार से और खुशी से हमेशा साथ साथ रहना चाहिए। तो सर आपका मैं एक बार नाम और जानना चाहूंगा, क्या नाम है? मेरा नाम शमीम अहमद है, मैं अमरोहा का रहने वाला हूँ, अमरोहा को बिलीव करता हूँ, अमरोहा का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ से दरगाह से निस्बत रखता हूँ, थोड़ी सी बुजुर्ग होने के नाते हम यहाँ हमेशा आते हैं, हमेशा यहाँ शरीक होते हैं, दुआ ताबीज करते हैं। दुआ के अलावा ये क्या है कि भाई यहाँ सारे लोगों के लिए दुआ की जाती है। तो बेसिकली सर ने जैसे बात करी है और तो मेरे लिए तो बहुत बड़े हैं, मेरे दादा की उम्र के हैं, और उन्होंने बहुत ही सुंदर बात कही जो दिल को काफ़ी सुकून देने वाली बात उन्होंने आज कही थी, जैसे आपका आपने सुना भी। तो खुश रहिए, आवाज रहिए यार, जिंदगी का क्या पता कल हो ना हो। तो हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आ चुका हूँ गाजियाबाद और बहुत ठंड है वहाँ, बहुत ज़्यादा। तो चार बजे मैं चला था और अब छः बज रहे हैं और सोच रहा हूँ आने वाले टाइम में 20 मिनट में मैं अपने घर भी पहुँच जाऊँगा। तो बहुत ठंड है दोस्तों, और बेसिकली तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना यार, कमेंट करना और सब्सक्राइब कर देना यार चैनल को, आपकी वीडियो भी आएंगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको कभी निराश नहीं करूँगा और ऐसे ही वीडियो अच्छी अच्छी वीडियो मैं लेकर आऊँगा। और तो अभी के लिए